दोस्तों, आज जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं उसमें सीखेंगे सिंगल फेज सबमर्सिबल पंप का स्टार्टर कैसे बनाया जाता है। ये दोस्तों मेरा एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में ये सारे कंपोनेंट इसमें फिटिंग करना है। तो दोस्तों कैसे कैसे करेंगे एकदम स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। मेरे पास कंट्रोल सर्किट डायग्राम का ड्राइंग भी है, स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कितने का है, सिंगल फेज है, 1 HP का है। अब दोस्तों 1 HP स्टार्टर के लिए पहले क्या क्या चाहिए हम लोगों को ये देख लेते हैं। पहले स्टार्टिंग के लिए, मोटर को स्टार्ट करने के लिए और बंद करने के लिए हम लोगों को 2 कैपेसिटर का ज़रूरत पड़ेगा, एक स्टार्टिंग और एक रनिंग। तो दोस्तों ये जो मेरे हाथ में 50 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, ये मेरा रनिंग कैपेसिटर है। ये आप देख रहे हैं 50 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर, ये रनिंग के लिए है। और ये स्टार्टिंग कैपेसिटर है, 120 से 150 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है स्टार्टिंग के लिए। तो इसके ये कैपेसिटर के अलावा भी हम लोगों को चाहिए होता है एक कॉन्ट्रैक्टर, एमीटर, वोल्ट मीटर, MCB, एक कनेक्टर, स्टार्ट पुश बटन, स्टॉप पुश बटन, सब कुछ चाहिए होता है। तो देखिए ये कॉन्ट्रैक्टर है, सिंगल फेज का कॉन्ट्रैक्टर है। इसमें 16 एम्पियर का करंट है, देखिए 16 एम्पियर, इसमें 16 एम्पियर करंट फ्लो कर सकते हैं इसके ज़रिए। इसके अलावा भी क्या है, ये जो मेरा कॉइल का रेटिंग है वो भी मायने रखता है। कॉइल का रेटिंग इसमें क्या है, देखिए 220 तक मैं इसको चला सकता हूँ, मतलब सिंगल फेज इसमें दे सकता हूँ। तो ये हो गया मेरा कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर के अलावा एक MCB चाहिए होता है। MCB भी हम लोगों का 16 एम्पियर का है, सी टाइप का MCB है, 16 एम्पियर का MCB, जिसके ज़रिए हम चालू बंद करेंगे स्टार्टर को। एक एमीटर चाहिए जो कि 0 से लेके 30 एम्पियर तक मेज़र कर सकते हैं। और एक वोल्ट मीटर है जो कि 0 से लेके 500 वोल्ट तक मेज़र कर सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों एक कनेक्टर चाहिए जो कि मेरा इनपुट पावर को और आउटपुट पावर सप्लाई को कनेक्ट करेंगे। और ये क्लिप है जो कि जो कंपोनेंट है हम लोगों का कैपेसिटर, ये सब को टाइट करने के लिए। और ये मेरा इंडिकेशन है, ये ऑन इंडिकेशन है। और ये पुश बटन है जो कि हम वोल्ट मीटर को मेजर करेंगे इसके ज़रिए, क्योंकि वोल्ट मीटर को पावर देने से वोल्ट मीटर ऑन करते ही वोल्ट मीटर मेजर करते हैं। तो भाया पुश स्विच से हम लोग वोल्ट मीटर को कनेक्ट करेंगे। और एक स्टार्ट पुश बटन और एक स्टॉप पुश बटन चाहिए होता है मोटर को स्टार्ट और बंद करने के लिए। तो कुल मिला कि ये सब हम लोगों को चाहिए। दोस्तों आप लोगों को लग रहा है कि इतने सारे डिवाइस हम लोग ये एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में जब लगाएंगे तो कैसे याद रखेंगे, लेकिन दोस्तों हम ऐसे समझाएंगे एकदम आसान तरीक़ा से कि आपको एकदम वीडियो देख के एकदम मालूम चल जाएगा कि कैसे कैसे होता है। तो देखिए ये मेरा सर्किट डायग्राम के अनुसार हम वायरिंग करेंगे। तो पहले हम फेज से वायरिंग करेंगे। फेज से कहाँ आ रहा है हम लोगों का, MCB में। और MCB में कहाँ आ रहा है, एम्पियर मीटर में, और कॉन्ट्रैक्टर में जा रहा है। तो दोस्तों फेज से हम लोग कॉन्ट्रैक्टर तक वायरिंग करेंगे। तो दोस्तों फेज के लिए हम लोग लाल तार यूज़ करेंगे। और जो कनेक्टर हम यूज़ कर रहे हैं उसका जो पहला पॉइंट है वो हम लोगों का फेज का पॉइंट है और दूसरा न्यूट्रल का पॉइंट है, तो ये भी हम समझा देंगे। तो पहला जो फेज का पॉइंट है वहाँ से हम लोग एक तार को कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हम लोग तार को कनेक्ट कर लिए हैं और यहाँ से लेके जाएंगे जो हम लोगों का 16 एम्पियर का MCB है, इसमें एक बार देख लेंगे लोड और सप्लाई। लोड और सप्लाई लिखा हुआ है, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे सप्लाई है और यहाँ पे लोड है। जो हम लोगों का मेन पावर करंट जो आएगा वो सप्लाई में आएगा और जो डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरा बॉक्स में जो जाएगा वो लोड में जाएगा। तो दोस्तों हम लोग अभी कहाँ पे कनेक्ट करेंगे, सप्लाई में कनेक्ट करेंगे। तो हम लोग सप्लाई में कनेक्ट कर दे रहे हैं, ये हम लोगों का सप्लाई में कनेक्ट हो गया। और सप्लाई से आउटपुट होके लोड से जाएगा मेरा एम्पियर मीटर का पहला टर्मिनल में। तो यहाँ से एक लूप लेके
कनेक्ट कर देंगे। और ये जो लक्स है, और लक्स हम मतलब जहाँ जहाँ पिन टाइप लगेगा, जहाँ जहाँ यू टाइप लगेगा, रिंग टाइप लगेगा, उस हिसाब से हम कनेक्ट करके रखे हैं। तो हम यहाँ पे जॉइंट कर दिए हैं। अब इसका जो आउट और एक टर्मिनल है, वहाँ से हम लोग एक तार को कनेक्ट करके लेके चले जाएंगे जो कॉन्टैक्टर का फेज वाला पॉइंट है, वहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर देंगे। लेकिन दोस्तों तार थोड़ा लंबा लंबा करिएगा, क्योंकि लास्ट में जब ड्रेसिंग करना पड़ेगा तो ठीक होगा। तो अब दोस्तों हम लोगों को यहाँ से फेज से एमसीबी, एमसीबी से एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर से कॉन्टैक्टर तक आ गया है। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, न्यूट्रल को कनेक्ट करेंगे। न्यूट्रल को सीधा न्यूट्रल को लाके कॉन्टैक्टर का जो एक पॉइंट है वहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों न्यूट्रल का पॉइंट हम लोग कहाँ से लेंगे, जो कनेक्टर का सेकंड वाला टर्मिनल में है, टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे न्यूट्रल को कॉन्टैक्टर का, और एक जो सप्लाई है वहाँ पे कनेक्ट करेंगे। फेज और न्यूट्रल कनेक्ट हो गया हम लोगों का। अब दोस्तों हमारा ये वाला जो पॉइंट है उसमें हम लोगों का फेज सप्लाई मिलेगा। जब कॉन्टैक्टर मेरा ऑन होगा, यहाँ से सप्लाई होके यहाँ तक आएगा, ये वाला हम लोगों का आर वाला पॉइंट है। तो एक बार दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि एक बार मार्क कर लेते हैं, ये मेरा पी है मतलब फेज सप्लाई, ये न्यूट्रल मतलब एन लिखा हुआ है, और ये जो तीन नंबर वाला पॉइंट है उसमें आर मतलब मोटर में जो आर वाला तार है उसमें घुसेगा, वाई में वाई वाला घुसेगा और बी में ब्लू वाला घुसेगा। आर वाला रेड है, वाई वाला येलो फेज जो आएगा येलो, और जो ब्लू वाला तार आएगा मोटर में वो आएगा ब्लू टर्मिनल में घुसेगा। तो दोस्तों ये याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ से जो सप्लाई कॉन्टैक्टर से जो सप्लाई मिलेगा फेज वाला, वो हम एक रेड तार कनेक्ट करके ये तीन नंबर जो आर वाला है हम लोगों का उसमें कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट ये वाला हम लोगों का आर वाला फेज मिल गया है। अब दोस्तों और जो ब्लैक वाला है, यहाँ से जो न्यूट्रल हम लोगों को सप्लाई मिलेगा, वो न्यूट्रल ले जाके जो हम लोगों का बी वाला है मतलब लास्ट वाला टर्मिनल में उसमें कनेक्ट कर देते हैं। ये कनेक्ट हम कर दिए हैं। तो दोस्तों फेज सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए हमने आर फेज, और न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए ब्लैक फेज हम कनेक्शन कर दिए हैं। अब दोस्तों जो वाई फेज है हम लोगों का, वो जाएगा हम लोगों का रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर के द्वारा। तो दोस्तों एक बार देख लेते हैं डायग्राम। ये हम लोगों का मोटर हो गया, मोटर का जो स्टार्टिंग वाला फेज है वो हमने वाई लिखा है, वाई मतलब स्टार्टिंग जो बाइंडिंग होता है वो आएगा मेरा रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर के द्वारा। रनिंग कैपेसिटर हम लोगों को मेन कॉन्टैक्टर के आउटपुट टर्मिनल से होते हुए वाई फेज में जाएगा, और स्टार्टिंग कैपेसिटर के द्वारा आएगा। और हम लोग का जो एनो कॉन्टैक्ट है, ये जो हम लोग यहाँ एक एनो कॉन्टैक्ट है और यहाँ जो एक एनो कॉन्टैक्ट है, हम लोगों का दो एनो इक्विपमेंट लगेगा, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। तो वहाँ से हम लोगों को लाना पड़ेगा यहाँ तक। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, रनिंग कैपेसिटर का वायरिंग पहले कर लेते हैं। तो रनिंग कैपेसिटर का वायरिंग करने से पहले हम लोगों को क्या करना है, कॉन्टैक्टर के आउटपुट टर्मिनल से होते हुए हम लोगों को वाई फेज में देना है। तो कनेक्शन हम लोग कर लेते हैं। ये हम लोगों का हो गया रनिंग कैपेसिटर, ये हो गया स्टार्टिंग कैपेसिटर। तो पहले हम लोग रनिंग कैपेसिटर करेंगे। रनिंग कैपेसिटर को एक जो तार है हम लोग कर लेंगे जो कॉन्टैक्टर का आउटपुट टर्मिनल है, ये वाला जो आउटपुट टर्मिनल है यहाँ पे कनेक्शन कर देते हैं। दोस्तों आउटपुट टर्मिनल से ही करना है, उधर मतलब इनपुट जहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे डायरेक्ट फेज सप्लाई हो रहा है वहाँ मत करना है, क्योंकि जब कॉन्टैक्टर ऑन होगा तभी हम लोगों को सप्लाई मिलेगा, ऐसे ही करना है। और जो आउट और एक जो स्टार्टिंग कैपेसिटर का रनिंग कैपेसिटर का तार है वो हम वाई फेज में जोड़ देते हैं, जोड़ दिए हैं। अब दोस्तों हम लोगों का हो गया स्टार्टिंग कैपेसिटर, ये जो हम लोगों का स्टार्टिंग कैपेसिटर है, स्टार्टिंग कैपेसिटर आ रहा है हम लोगों का
कॉन्टैक्टर का ही एनो से आ रहा है, जो एक एनो इक्विपमेंट है। ये जो हम लोग का येलो वाला तार है वो कॉन्टैक्टर का आउटपुट टर्मिनल से वहीं से लेंगे और कनेक्शन कर देते हैं। और एक जो हमको लेना है, एक तार हमको यहाँ पे जोड़ देना है। ये वाला जो और एक तार है ये हम लोग का छोटा पड़ गया, यहाँ पे एक तार हम लोग ज्वाइन कर देंगे। और यहाँ से ये जो स्टार्ट पुश बटन का एनो है, यहाँ पे हम लोग का दो एनो लगेगा। तो एक एनो जो है वहाँ पे ज्वाइन करेंगे। तो यार तार हमको छोटा पड़ गया, हम ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन आप लोगों को मतलब ज्वाइंट अंदर में किसी भी प्रकार का ज्वाइंट मत रखिएगा, ये खराब चीज़ है। यहाँ पे हम दोस्तों कनेक्ट कर लेते हैं, इस टर्मिनल पे, इस पॉइंट पे कनेक्ट हो गया हम लोगों का। अब दोस्तों जो आउटपुट टर्मिनल है, आउटपुट टर्मिनल से होते हुए हम लोगों का वाई फेज में जाएगा। तो दोस्तों ये कनेक्ट हम कर ले रहे हैं, आउटपुट टर्मिनल जो है आउटपुट टर्मिनल में कनेक्ट कर लिए हैं। और वाई फेज में जो हम लोगों का है कनेक्टर उसमें जॉइंट कर लिए हैं। अब दोस्तों हो गया हम लोगों का पावर कंट्रोल। अब हम लोग करना है सर्किट डायग्राम। अब डायग्राम थोड़ा देख लेते हैं। ये हो गया हम लोगों का पावर कंट्रोल डायग्राम। अब हो गया, अब हम लोग करेंगे सर्किट, जो कॉन्टैक्टर को चालू बंद करने के लिए जो पावर चाहिए वो वाला वायरिंग हम अब करेंगे। तो दोस्तों देखिए MCB से हम लोग लाए हैं एम मीटर पे, MCB के इनपुट टर्मिनल से, आउटपुट टर्मिनल से एम मीटर, एम मीटर से एक स्टार्ट पुश बटन में दिए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉन्टैक्टर के आउटपुट टर्मिनल से भी ले सकते हैं या फिर एम मीटर के आउटपुट टर्मिनल से भी वायर को ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, कॉन्टैक्टर के आउटपुट इनपुट टर्मिनल से ही कनेक्शन करके स्टार्ट पुश बटन में एक तार लाएंगे। तो हम ब्लू फेज का, ब्लू तार का इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरा कंट्रोल सर्किट पूरा हम ब्लू फेज में ही करेंगे। तो यहाँ पे हम कनेक्शन कर दिए हैं। अब यहाँ से हम ड्रेसिंग करते हुए जाएंगे जो स्टार्ट पुश बटन का और एक जो एलिमेंट है, एनो एलिमेंट है, वहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो हम लोगों का दो एलिमेंट है ना, एक स्टार्ट बटन का दो एलिमेंट है, तो जो खाली एलिमेंट है उसी में करना है। ये एलिमेंट हम लोग कैपेसिटर के कनेक्शन में किए हुए हैं तो इसमें कनेक्शन नहीं करना है। जो हम लोग का अलग और एक एलिमेंट है उसमें कनेक्ट करना है। तो हम कनेक्ट कर दिए हैं। अब इसका आउटपुट टर्मिनल से जाएगा हम लोगों का स्टॉप पुश बटन में। तो एक हम छोटा लूप लेके यहाँ से कनेक्शन करते हुए स्टॉप पुश बटन के इनपुट टर्मिनल में कनेक्शन कर दिए हैं। अब स्टॉप पुश बटन से हम लोगों को क्या करना है, जाएगा कॉन्टैक्टर के वो A1 टर्मिनल में, जो कॉयल है कॉयल में जाएगा। तो क्या करेंगे, और एक ब्लू फेज का, ब्लू तार का इस्तेमाल करते हुए हम लोग लेते जाएंगे, कनेक्शन करते हुए हम लोग कर देंगे कॉन्टैक्टर का A1 टर्मिनल में। तो दोस्तों A1 टर्मिनल में कनेक्शन हो गया है। अब बचा है और एक जो कॉयल का कनेक्टर है वो बचा है। तो क्या करना है वो तो हम लोग सभी जानते हैं। जो न्यूट्रल पावर है हम लोगों का, न्यूट्रल पावर ले लेंगे, जो हम लोगों का इनपुट टर्मिनल, इनपुट जहाँ पे घुसा है वहीं से ले लेंगे। ये न्यूट्रल वायर है हम लोगों का, न्यूट्रल वायर से ही हम लोग यहाँ से एक लूप लगा के कनेक्शन कर दे रहे हैं, जो कि कॉन्टैक्टर में, कॉन्टैक्टर के कॉयल में हम लोगों का पावर आ जाएगा। तो A1 में हम लोग कनेक्शन कर दिए हैं, और फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई भी कनेक्शन कर दिए हैं। अब दोस्तों ये हम लोगों का कंट्रोल वायरिंग हो गया। अब दोस्तों अगर हम लोग ये, अब हमको चाहिए होल्डिंग करना, कॉन्टैक्टर को होल्डिंग करवाना पड़ेगा। अब होल्डिंग करवाने के लिए क्या पड़ेगा, अगर कॉन्टैक्टर में एक एनो अगर रहता तो हम क्या करते, सिंपल सा एक एनो पुश बटन से पैरेलल कनेक्शन कर देते हैं। जब हालांकि हम लोगों का कॉन्टैक्टर में एनो नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों का स्टार्ट पुश बटन का आउटपुट टर्मिनल है
ये जो स्टार्ट, ये हम अलग से एनो एक लगा रखे थे, ये वाला नहीं होगा। हम डायरेक्टली क्या करेंगे, ये जो इनपुट टर्मिनल है कॉन्टैक्टर का, कॉन्टैक्टर का इनपुट टर्मिनल से एक तार को कनेक्शन करके हम लोग स्टॉप पुश बटन के इनपुट टर्मिनल में कनेक्शन कर देंगे। स्टॉप पुश बटन के इनपुट टर्मिनल में कनेक्शन कर दिए हैं, या फिर स्टार्ट पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल, जो भी आप मतलब समझेंगे वही करके कनेक्शन कर दिए हैं। ये दोस्तों ये हो गया हम लोगों का होल्डिंग हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इंडिकेशन लैंप को जलाएंगे। और क्या करेंगे, जो हम लोग का वोल्ट मीटर, वोल्ट जब हम देखेंगे तो उसके चलते हम लोग एक पुश बटन का कनेक्शन करना है। तो अभी हम इंडिकेशन का कनेक्शन करेंगे। इंडिकेशन हम लोग लाएंगे स्टार्ट स्टॉप पुश बटन के इनपुट टर्मिनल से, यहीं से। तो यहीं पे हम लोगों का दो को कनेक्शन हो गया, तो हम लोग स्टार्ट पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल से तार को ले जाके इंडिकेशन लैंप में कनेक्शन कर देंगे। ये इंडिकेशन लैंप हो गया और यहाँ पे हम कनेक्शन कर दे रहे हैं। इंडिकेशन लैंप भी रहता है 110 का, 220 का, तो देख लीजिएगा 220 का होगा तो बढ़िया होगा, क्योंकि हम लोगों का जो कंट्रोल डायग्राम, कंट्रोल पावर है वो 220 का है। और न्यूट्रल हम लोग इनपुट जहाँ से आउटपुट मेन सप्लाई आएगा वहाँ से न्यूट्रल ले जाके हम लोग इंडिकेटर में कनेक्शन कर देंगे। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, वोल्ट मीटर जो है वोल्ट मीटर में कनेक्शन करेंगे। तो वोल्ट मीटर में कनेक्शन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों का जो न्यूट्रल सप्लाई है, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वोल्ट मीटर में फेज और न्यूट्रल देना पड़ेगा। तो न्यूट्रल सप्लाई हम लूप लगा के दे रहे हैं, यहाँ पे कनेक्शन कर दे रहे हैं। ये कनेक्शन हम कर दिए हैं। अब दोस्तों वोल्ट मीटर को हम लोग ऑपरेट करने के लिए पुश बटन का इस्तेमाल करेंगे, तो इसमें फेज सप्लाई भी देना पड़ेगा। जब हम लोग पुश बटन प्रेस करेंगे तभी वोल्ट शो करना, ऐसा सिस्टम करेंगे। तो इस पुश बटन के हम लोग क्या करेंगे, एमसीबी का जो सप्लाई वाला टर्मिनल है वहाँ से एक तार को कनेक्ट करके यहाँ पे ले आएंगे। एक तार हम लोगों का सर्किट कंट्रोल सर्किट में गया है और एक तार हम लोग पुश बटन में कनेक्ट कर दिए हैं। अब और एक जो पॉइंट है, और एक जो टर्मिनल है, उस टर्मिनल से हम लोग क्या करेंगे, वोल्ट मीटर को फेज सप्लाई दे देंगे। तो ये दोस्तों हम कनेक्शन कर दिए हैं फेज सप्लाई। अब दोस्तों ये हो गया हम लोगों का पूरा 1 HP का पूरा स्टार्टर कंप्लीट हो गया। अब इसको अच्छी तरह से ड्रेसिंग कर दे रहे हैं, क्योंकि ड्रेसिंग सबसे महत्व रखता है। किसी भी स्टार्टर, किसी भी फीडर, किसी भी इंडस्ट्रीज़ में हो तो ड्रेसिंग करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी स्टार्टर बनाए, कोई भी फीडर बनाए, तो हम लोग पहले फेज और न्यूट्रल सप्लाई देंगे। ये हम लोग फेज और न्यूट्रल सप्लाई दे दिए हैं, MCB को ऑन करेंगे। ये हम लोगों का पूरा रेडी हो गया। अब जब तक हम लोग लोड नहीं देंगे तो एम शो नहीं करेगा। और ये डिजिटल डिस्प्ले है वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर का, ये इसका भी एक वीडियो हम बना के देंगे। जो ये जो अलग अलग एम्पियर और वोल्ट मीटर है, इसका कोई ज़रूरत नहीं, एक ही मीटर में दोनों शो करेगा। तो हम लोग एक बार इसको चालू और बंद करके देखते हैं, ऑपरेट करके देखते हैं। ये हो गया, हम लोग ऑन कर दिए हैं। वोल्ट मीटर हम शो करेंगे प्रेस करके। तो देखिए मेरा वोल्ट आ रहा है 230 के आसपास हम लोगों का वोल्ट आ रहा है। और एम जो जब तक हम लोग इसको लोड नहीं देंगे तो एम्पियर शो नहीं करेगा। मोटर में कितना मतलब करंट ले रहा है तो शो नहीं करेगा, तो लोड देना पड़ेगा। तो एक बार चालू हम बंद कर दे रहे हैं। ये देखिए कॉन्टैक्टर मेरा होल्ड हो गया, इंडिकेशन थोड़ा लो जल रहा है लेकिन जल रहा है, देखिए ध्यान से। अब हम बंद कर रहे हैं, देखिए बंद हो गया, चालू हो गया, बंद हो गया। तो दोस्तों ये हो गया हम लोगों का 1 HP का सबमर्सिबल पंप का स्टार्टर। अब दोस्तों अगर कोई भी सवाल अगर मन में हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करिए, बहुत ही जल्द अगले वीडियो आएगा। और तब तक के लिए हम
छोड़ दे रहे हैं। और एक चीज़ दोस्तों, थोड़ा देर तक प्रेस करके रखना पड़ेगा हम लोगों का, जो कि मतलब जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है वो जब तक कैपेसिटर मतलब मोटर को रनिंग नहीं कर देता वो 2-3 सेकंड तक मतलब ऑन प्रेस करके रखिएगा, ताकि हम लोगों का मोटर जब तक वो रनिंग कैपेसिटर में नहीं ले लेता तब तक के लिए प्रेस करके रखिएगा। तो दोस्तों चलते हैं, और प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब कर